मोडबोला में बाप को ले चलते हैं कन्नौज के वार्ड 8 में, क्या कहता है यहाँ का वोटर सुनाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अमित मिश्रा और समाचार प्लस से मेगा कवरेज मोडा मोहल्ला में आपका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं कन्नौज के वार्ड नंबर 8 में। यहाँ से नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं हाजी रईस अहमद है हमारे साथ। आइए हम उनसे ही बात करते हैं कि क्या कुछ उम्मीद करे जनता कि वो अगर वो उनको चुना जाता है यहाँ से तो किस तरह का विकास करेंगे और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे साथ हाजी जी हैं। हाजी जी, किस तरह के मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का विकास आप करेंगे, क्या कुछ जनता उम्मीद करे आपसे? जनता को हम दो दफे के चेयरमैन हैं, 10 साल हम यहाँ रह चुके हैं, इसलिए जनता को पता है। आज जनता का सैलाब उठा हुआ है, जो काम भी मैंने किया है वो यहाँ की जनता जानती है। और आप कहीं भी चले जाइए 2500 वार्ड में, एक हम ऐसे प्रत्याशी हैं जो कम से कम आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, कोई जात पात नहीं मिलेगी, हर जगह विकास किया और विकास करेंगे। क्या क्या कुछ क्या मुद्दे हैं आपके? जैसे समस्या होती है नगर गली मोहल्लों का चुनाव है, समस्या होती है कि पानी की समस्या है, कूड़े की समस्या, कई समस्याएं मेरे सामने अभी आई, तो क्या कुछ किस तरह से बदलाव आप चाहते हैं अपने इस तरफ क्षेत्र का? देखिए, हमें जैसा आपसे 17 साल पहले जो कन्नौज मिला था ये कन्नौज की जनता जानती है, तो हमने क्या करा था 10 साल के अंदर ये भी कन्नौज की जनता जानती है, हमसे पहले जो चेयरमैन रह चुके हैं उनके लिए भी जानती है, हमारे बाद में जानती है। ये जनता का फैसला है, जनता की अदालत है। बड़े बड़े इत्तेफाक डमरूबाज मैदान में है, उन लोगों को देखते हैं। जनता मेरे साथ है, जनता ये 1 तारीख को फैसला करेगी। कुछ हमारे साथ लोग भी हैं यहाँ पर, आइए हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उम्मीदें हैं, किस तरह का प्रत्याशी चाहते हैं। हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जिसके ऊपर लोग विश्वास करें, विश्वास के लायक, जिनका काम देखा गया 10 वर्ष का, उनसे पहले के चेयरमैन को देखा गया, उनके बाद के चेयरमैन को भी देखा गया, लेकिन हाजी रईस जी विकास के कार्यों पर सबसे खरे उतरे हैं। तो जनता में, हम वार्ड नंबर 8 के मतदाताओं में अपूर्ण विश्वास हाजी रईस जी के प्रति है, जिन्होंने विकास के कन्नौज में कार्य कराए, वार्ड नंबर 8 में कार्य कराए, सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया। इनसे कोई शिकायत का मौका वार्ड नंबर 8 के लोगों को नहीं मिला। कुछ और भी लोग हैं, आइए हम उनसे भी बात करते हैं कि कैसी उम्मीद करें, कैसा उनका प्रत्याशी, कैसा चुनना चाहें और क्या कुछ समस्या है उनके क्षेत्र की। मैं ऐसा चाहता हूं कि हमारे शहर, हमारे विकास, हमारे नगर में विकास करे। हमारे मोहल्ले शिकाने वार्ड नंबर 8 वार्ड नंबर 25 में कोई भी मूत्रालय नहीं है, जो आने जाने वाली राहगीर महिलाओं को काफी परेशानी होती है, मैं इससे निजात पाना चाहता हूँ। हम प्रत्याशी ऐसा चाहते है कोई किस्म का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कन्नौज की जनता सुकून में होना चाहिए और हमारा कार होना चाहिए, ये चाहते हैं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब से हाजी जी यहाँ से हटे हैं कन्नौज से, कोई काम नहीं हुआ है, सब जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है, पूरा 15-15 दिन पड़ा रहता है रोडों पर, कोई देखने वाला नहीं है। एक लोग और भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहिए और क्या कुछ समस्या है आपके क्षेत्र की? जी, जो कुछ समस्या थी हाजी मोहम्मद रईस ने वो पूरी की, जो आने वाले पिछले 10 साल में जो हाजी रईस चेयरमैन रहे हैं उन्होंने पिछली बार जो कुछ समस्या थी सब पूरी की। हाजी मोहम्मद रईस का वादा है विकास और ज्यादा है, अब की बार उन्हें कोई सिंबल है उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस पब्लिक चाहती है, बस काम चाहती है बस। तो ये पब्लिक के कुछ जीते हैं, पब्लिक का खासा विश्वास भी है। हाजी जी हमारे साथ हैं, गंदगी है, बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, तो इन सबको कैसे, इन सबको निजात पाएंगे, कैसे लड़ने, क्या कुछ मुद्दे हैं आपके पास? देखिए, हमें कन्नौज जैसा हमने छोड़ा था अपने 10 साल के कालकाल में, ये हमें जनता को मेरे ऊपर इतना विश्वास है, इसलिए जनता ने मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ाया है और हम इसमें कोई वादे तो कर नहीं सकते, जो करेगा ऊपर वाला करेगा, ये इतना जनता का भरोसा है कि हम उससे ज्यादा क्लीन करेंगे कन्नौज को, हर मामले हर चीज को खत्म करेंगे। कुछ 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 लोगों से और पूछते हैं, कुछ लोगों से और बात करते हैं, हमारे साथ हैं, कैसा प्रत्याशी चाहते हो, किस किस तरह का बदलाव चाहिए अपने क्षेत्र में? हम ये चाहते हैं कि हमारे मोहल्ले में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे, लगभग दोनों वार्डो में मोहल्ला सिकाना में 5000 की आबादी है, इसमें एक भी सामुदायिक केंद्र नहीं है, हम चाहते हैं कि एक सामुदायिक केंद्र भी बने यहाँ पे, जैसे कि शादी विवाह होती थी टैंकर आता था
उसमें जो है पहले तो 300 रुपए लगते थे और हाजी जी ने उसे मुफ्त में गरीबों के यहाँ बांटते थे, भेजते थे पानी। अब 500 रुपए लगते हैं उसके। अब गरीब आदमी बुरी तरह से त्रस्त है। काफी कुछ समस्याएं हैं क्षेत्र की, कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। शमसुल है यहाँ से, क्या कुछ समस्याएं हैं और किस तरह का बदलाव चाहते हो, किस तरह का प्रत्याशी चाहते हो आप? यहाँ की आवाम, कन्नौज की आवाम 5 साल देख चुकी है और अब बदलाव चाहती है। और 10 साल का हाजी मोहम्मद रईस का कार्यकाल रहा, जिसमें जो 10 साल पुरानी सड़कें हैं, व्यवस्थाएं, नालियां, पानी की टंकी ये बनी हुई वो ही है, उसके अलावा उसकी मरम्मत भी नहीं हुई अभी तक, क्रॉस नहीं बंद हुए। तो आज बदलाव चाहती है और हाजी मोहम्मद रईस को भारी से भारी मतलब हिंदू मुस्लिम सब एकदम से पूरा अपना सपोर्ट देके और चेयरमैन बना के भेजना चाहती नगर पालिका में। तो समस्याएं निकल के आ रही हैं, लोगों का रुझान भी हाजी जी की तरफ बहुत सारा है, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल उनका पहले भी वो कर चुके हैं। कुछ लोग और भी हैं, कुछ और लोगों से पूछते हैं कि किस तरह का प्रत्याशी चाहिए और किस तरह की उम्मीद है, किस तरह की समस्या उनके क्षेत्र में, क्या समस्या है आपकी क्षेत्र की, समस्या बताइएगा। पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था। और जैसा कि हम लोगों ने देखा है पिछले 10 साल की चेयरमैनी में जो हाजी जी की थी, उन्होंने प्राथमिक समस्याएं सब पूरी तरीके से खत्म कर दी थी। लेकिन जो इन 5 सालों में जनता इतनी आक्रोशित हो गई है और वो बदलाव चाहती है, वो चाहती है कि हमारा चेयरमैन फिर पिछले जैसा हो। और जनता ने फैसला कर लिया है इस बार हाजी जी को नगर पालिका भेजना है। अभी अगर समस्या की बात करिए तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर समस्या जो है गंदगी की है। यहाँ पर महल्लों में कई डस्टबिन नहीं है, कहीं पर भी डस्टबिन नहीं है। यहाँ पर जहाँ देखो गंदगी है, नाली नहीं है, सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, खुदी हुई हैं, सीवर लाइन खुद रही है, हर सड़कें अधूरी हैं। जितना भी काम है सब अधूरा हुआ है, जितना भी इस चेयरमैनी में हुआ है सब अधूरा काम है, कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है। चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे सफाई की हो, और चाहे वो प्राथमिक कोई भी समस्या हो। हॉस्पिटल भी नहीं है बताया था जी? बिल्कुल, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई भी प्राथमिक सामुदायिक केंद्र नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे हाजी जी जो है नगर पालिका में बैठे और यहाँ पर एक सामुदायिक केंद्र खोला जाए। आखिरी सवाल हाजी जी से फिर से लेंगे कि यहाँ पर सामुदायिक केंद्र नहीं है, गंदगी की बहुत सारी समस्या है, तो इन समस्याओं से कैसे लड़ेंगे, कैसे क्या क्या कुछ जनता उम्मीद करेगी, किस तरह से आप खड़े उतरेंगे उनके इस उम्मीद पे? देखिए, मैंने जितने बार पहला चुनाव लड़ा है, या आप शहर वालों से 2500 वार्ड में कहीं भी जाके आप पूछिए, मैंने कभी कोई वादा नहीं किया। और ये जनता को पूरी उम्मीद है कि हाजी जी बगैर वादा करके काम को पूरा अंजाम देते हैं और कोई भी समस्या पूरे नगर के अंदर नहीं रहेगी। कोई वार्ड हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को कहीं पर भी आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आज आप हमारे बीच, आपके बीच ये जनता से आप पूरी जानकारी करिए। इसके अलावा 25 वार्डों में कहीं कोई वार्ड में आप जाके जानकारी कर लीजिए। शायद उत्तर प्रदेश में हम पहले ऐसे चेयरमैन होंगे जो आपको कोई कंप्लेंट करने वाला पब्लिक आदमी नहीं मिलेगा। नेता तो मिल सकते हैं, मैं पब्लिक का आदमी कोई हाजी मोहम्मद रईस की शिकायत करने वाला नहीं मिलेगा। तो इन्होंने बताया क्या कुछ मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों ने बताया क्या कुछ मुद्दे हैं वार्ड नंबर 8 से। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मोहल्ले में एक नए लोगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।